फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मित्रा। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर 6 है, जो कि लास्ट चैप्टर है, इस चैप्टर के हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड मैंने जो है इससे पीछे के जितने भी सारे चैप्टर हैं उनके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करवा दिया। आपने नहीं देखा है तो मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सभी वीडियो का, आप देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में से भी चेकआउट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है प्रोज भी कंप्लीट करवा दिया, पोएट्री भी कंप्लीट करवा दिया एंड आज के इस वीडियो के बाद से जो है सप्लीमेंट्री ये जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से जितने भी सारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करूंगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉज मिस्टर लैम एंड पूछा कि हाउ डिड डेरी कैम इन हिज कॉन्टैक्ट, यानी पूछ रहा है कि जो मिस्टर लैम थे वो कौन थे और जो डेरी है वो उनके संपर्क में कैसे आया। देखिए फ्रेंड्स, मिस्टर लैम्ब वॉज एन ओल्ड मैन हु हैज़ अ टीन लेग एंड लिव्ड इन अ बिग हाउस विथ अ लवली एंड इनॉर्मस गार्डन। जो मिस्टर लैम्ब थे वो एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनका पैर जो था वो टीन का था और जो एक बड़े घर में रहते थे एक विशाल बगीचे के साथ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन पूछा था कि मिस्टर लैम्ब कौन थे तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब दूसरे प्रश्न में जो पूछा है वो पूछा है कि डेरी उनके संपर्क में कैसे आए। तो देखिए, डेरी एंटर्ड इन टू मिस्टर लैम्स गार्डन बाय क्लाइंबिंग ऑन द वॉल एंड ही थॉट इट टू बी अ लॉनली प्लेस। ठीक है, तो अब इस प्रश्न का उत्तर हम देख रहे हैं। जो डेरी है फ्रेंड्स, डेरी जो है वो मिस्टर लैम्ब के बगीचे में जो है वो घुस गया दीवार पर चढ़कर। ठीक है, क्लाइंबिंग ऑन द वॉल यानी कि दीवार पर चढ़कर, एंड ही थॉट इट टू बी अ लॉनली प्लेस और उसने सोचा कि यह खाली स्थान है। दिस वे डेरी कैम इन हीज कॉन्टैक्ट, इस तरीके से जो है डेरी उनके संपर्क में आया हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेकंड देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉट एग्जाम्पल डिड मिस्टर लैम्ब गिव अबाउट द ग्रोइंग लाइफ, यानी कि मिस्टर लैम्ब ने जो है वो बढ़ते जीवन के बारे में क्या उदाहरण दिया। ओके, तो देखिए इसका आंसर, देखिए फ्रेंड्स, मिस्टर लैम्ब गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लावर एंड अ वीड। मिस्टर लैम्ब जो है वो एक फूल और एक जो है वो जंगली पौधे का जो है वो उदाहरण देते हैं। ही टेल्स दैट अ वीड इज ऑल्सो अ ग्रीन ग्रोइंग प्लांट एज इज अ फ्लावर। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वे बताते हैं कि एक जो जंगली पौधा होता है वह भी हरे रंग का बढ़ने वाला पौधा होता है और एक जो पौधा होता है मतलब फूल वाला पौधा वो भी बढ़ता है। सो अ वीड इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज अ फ्लावर, इस तरीके से जो जंगली पौधा भी महत्वपूर्ण है और वो जो फूल वाला पौधा है वो भी महत्वपूर्ण है। इन द सेम वे ही कौन है, डेरी है। ठीक है ना, यानी डेरी को बताते हैं इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज ऑल अदर्स आर, तरीके से जितने सभी महत्वपूर्ण है उतना डेरी भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाउ वॉज मिस्टर लैम्ब अ डिसेबल पर्सन, की मिस्टर लैम्ब जो है वो एक विकलांग व्यक्ति कैसे थे एंड पूछ रहे कि वॉट हैपन टू हिम, उनके साथ क्या हुआ था। तो देखिए, मिस्टर लैम्ब वॉज अ डिसेबल पर्सन बिकॉज ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स, ही लॉस्ट इन इट द एक्सप्लोजन ऑफ वार। मिस्टर लैम्ब जो थे वो एक विकलांग व्यक्ति थे क्योंकि ही लॉस्ट ऑन हिज लेग्स, क्योंकि उन्होंने अपना जो पैर है वो खो दिया था। ही लॉस्ट इन इट द एक्सप्लोजन ऑफ वार, कब खोया था, तो युद्ध के धमाके में उन्होंने जो है अपना पैर खोया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वाज डेरी, डेरी जो था वो कितने वर्ष का था एंड व्हाई पीपल वर अफ्रेड टू हिम, लोग जो है उसे क्यों डरते थे। तो देखिए, डेरी वॉज अ 14 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है, जो डेरी था वो एक 14 साल का लड़का था। पीपुल वर अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ही हैड एन अगली बर्न्ड फेस, लोग उसे डरते थे क्योंकि उसके पास एक जला हुआ चेहरा था। ठीक है, उसका चेहरा जो है जल गया था इसलिए लोग उसे डरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वॉज डेरीज फेस बर्न, यानी कि जो डेरी का फेस है, डेरी का फेस वो कैसे जला था। तो डेरी फेस वॉज बर्न्ड बाई एसिड सो वन साइड ऑफ हिज फेस लुक्ड वेरी अगली एंड फ्राइटफुल। डेरीज फेस वॉज बर्न्ड बाई एसिड, एसिड के द्वारा जो इसका चेहरा जल गया था इसीलिए जो है उसके चेहरे का एक भाग जो है बहुत ज्यादा सूरत दिखता था और भयानक दिखता था। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो इन सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाकी जो भी सारे चैप्टर की वीडियो आपने नहीं देखी है जिसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बनाकर उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दी है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी या फिर आप चाहें तो प्लेलिस्ट भी चेकआउट करके देख सकते हैं। मैंने जो है प्रोज, सप्लीमेंट्री और पोएट्री सभी की जो है प्लेलिस्ट बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो प्लेलिस्ट चेकआउट करके देख लीजिएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा बताइएगा जिससे कि वो भी अपने 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, और एक और बात इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास और भी सारी जो भी वीडियो आप देखते हैं उन सभी को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, जिससे कि आपके फ्रेंड भी जो है अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ओके, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।